पूर्व मैंने निवेदन किया था, सेवा की आवश्यकता श्री ठाकुर जी को नहीं है, सेवा की आवश्यकता आपको और मुझे है। सेवा आपके और मेरे जीवन को सजा देती है, सुसज्जित हो जाता है जीवन, दृष्टि कुछ और हो जाती है। मुझे दिनकर साहब की चार पंक्तियां बड़ी प्रिय लगती हैं कि कैसे कैसे एक भक्त देखता है इस संसार को। दिनकर साहब की चार पंक्तियां है, कहते हैं रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, क्षीर माने दूध, जब जब आटा बनाया जाता है ना तो दूध सा हो जाता है, तो कहते हैं रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। जो दो दो रोटी दे रहे हैं ना आप किसी को, वो आपकी नहीं है बाप, उसके पीछे वो खड़ा है। कहां से आपके मन में संकल्प आया? यही मैं निवेदन कर रहा था आपको। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले आप भगवान की सेवा में इतना खर्च कर देते हैं, गरीब को खिला दो। अरे गरीब को खिलाने को कौन मना करता है, पर कोई पूछो जाकर उनसे कि गरीब को खिलाने का संकल्प जिनके हृदय में उठता है वो संकल्प किसकी कृपा से उठता है? वो संकल्प भगवत कृपा से उठता है। प्रकृति प्रसन्न होती है जब आप भगवान की सेवा करते हैं। बहक मत जाना, क्या क्या था, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्य देख के आप बहक मत जाना कि शंकर पर दूध चढ़ाने से क्या होता है। मैं पूछना चाहूंगा, जब उड़ा देते हैं आप लाखों रुपए की मदिरा अपने घर के उत्सव में, तब आपको गरीब का स्मरण क्यों नहीं होता? तब होना चाहिए। शंकर पर दूध चढ़ाकर तो आप जाने क्या क्या मांग कर आते हो शंकर से, और आशुतोष देता है आपको। भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाता, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले दातार। महादेव नहीं, उदारता, उदारता विग्रहवान होकर प्रकट होती है। दिखाते हैं भगवान आपको सेवा, जब जब आप देते हैं तो देने का भाव आपके अंतर्मन को सजाता है। एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ गई। एक ब्राह्मण थे, श्रीनाथ जी के सेवक थे, श्री लाल जी का दर्शन नित्य पाते थे, और जब बहुत लोगों को सेवा करते देखते थे तो उनके मन में भी बड़ी सेवा की होंस होती थी, बड़ा चाव होता था मन में कि मैं सेवा करूं, पर साधन नहीं था, मन था, धन नहीं था। तो एक दिन जब वो चाह बढ़ गई, जब लालसा उत्कट हो गई, तो कोई विचार नहीं किया, 2 बीघा जमीन थी वो जमीन बेची, जो थोड़ा सा धन मिला उससे श्री ठाकुर जी का एक स्वर्ण हार बनवाया और श्री गुसाई जी महाराज को निवेदन किया कि आप श्री श्री जी महाराज को निवेदन कर दें। संध्या के समय उत्थापन की बेला थी, श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी को हार पहनाया। हार पहनते पहनते श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले बाबा, वह ब्राह्मण ने या हार के ताई अपनो सर्वस्व दे दियो, मोए कोई हार की खोट पड़ रही? मेरे पास तो बहुत हार थे। वो ब्राह्मण को एक हार बनवाने के लिए अपना सर्वस्व देना पड़ा। जब श्री गोसाई जी ने ब्राह्मण से कहा कि श्री ठाकुर जी ने आपके लिए संदेश दिया है कि मुझे कोई हार की खोट पड़ रही थी, इस हार के लिए आपने अपना सर्वस्व दे दिया, इतना परिश्रम किया, इतना श्रम उठाया, तो ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। कैसा सेवक का हृदय होता है और कैसी सेवा की वृत्ति है, कैसी ये भावना आपके अंतर मन को सुसज्जित अलंकृत कर देती है। ब्राह्मण ने कहा, जय जय, श्री ठाकुर जी को खोट पड़े और हम सेवा करें, फिर तो सेवा करने को अवसर ही कभी नहीं आवेगा। लक्ष्मी जिनके चरण चापती हैं उनको खोट क्यों पड़ने लगी, उनको आवश्यकता क्यों पड़ने लगी? सेवा भगवान की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है। आप जब निवेदन करते हैं, आप जब श्रृंगार करते हैं, आपके मन का विकार दूर होता है, जो जन्म से अर्जित कर लिया है। भाई मैल से मैल कैसे धुलेगा, कर्म से कर्म का बंधन कैसे छूटेगा? कर्म का मल तो कृपा के जल से धुलेगा। तो जब आप श्रृंगार करते हैं अपने प्रभु का, आपके मन का विकार दूर होता है। जब आप भोग निवेदन करते हैं, आपकी अंतरात्मा तृप्त होती है, आपकी अंतरात्मा तृप्त होती है। और जब आप सेवा के भाव में स्थित हो जाते हैं तो वो सेवा की भावना आपको
आपको सदा सदा के लिए निर्भय निर्द्वंद कर देती है। रैदास जी महाराज के पास क्या था, एक वो सेवक की भावना ही तो थी। और पूर्व भी मैंने आपसे निवेदन किया कि इस अस्तित्व में अगर कोई एकमात्र सत्य संबंध है तो वो यही है, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय सुनानी है। इसीलिए कल मैंने विराम के क्षणों में कहा था महाराज बनने की भूल कभी मत करना, कभी नहीं बनना हमको, तो भाई 100 झंझट करना पड़ता है, इसको सुनाना है उसको सुनाना है, आपके प्रश्न आए और हम उत्तर नहीं दें तो भी नहीं चलता। पर भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त न तो जानता है न जानना चाहता है, उसके सिर पर भार नहीं है, उसके सिर पर बोझ नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी सरल गति से बड़ी तीव्र गति से चलकर और झट से पहुंच जाता है। और नहीं भी पहुंचे तो उसकी निर्मलता, उसकी निश्चलता, उसकी पुकार, उसका रुदन भगवान को खींच लाता है। जीव जगन्नाथ तक पहुंचे नहीं पहुंचे, पर भक्ति की कृपा से जगन्नाथ जीव को ढूंढते हुए आ ही जाते हैं, आते ही हैं। रैदास जी के साथ घटा, वृत्ति तदाकार हो गई, वो जिह्वा के शब्द आत्मा की पुकार बन गए, कण कण से भक्ति की वो भावना प्रवाहित होने लगी, जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, मत भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बस एक बार वो रस प्रकट हुआ और प्रभु तो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने ब्राह्मणों से कह दिया था कि यदि अब की बार रैदास जी उत्तीर्ण हुए तो तुमको दंड मिलेगा। संत की परीक्षा लेना ठीक नहीं, संत की परीक्षा लेना ये अपराध है। इसीलिए मैंने कहा था संत की प्रतीक्षा करना, संत की परीक्षा मत करना, आप जांचना मत। 99% लोग
क्षमा करना, 99% लोग जो मेरे पास दीक्षा का निवेदन फॉर्म भर के भेजते हैं वो कहते हैं आपको गुरु बनाना है, आपको गुरु बनाना है। मैं यही सुनता हूँ, बोले हमने उनको गुरु बनाया, हमने उनको गुरु बनाया। गुरु नहीं बनाया जाता भाई, शिष्य बना जाता है। गुरु नहीं बनाया जाता किसी को, आप कैसे बनाएंगे गुरु, वो तो गुरु है, शिष्य बना जाता है। जब आप शिष्य बनते हैं तब आपके पास धरातल होता है विनम्रता का, कृतज्ञता का, तब आप शिष्यता ग्रहण करने योग्य होते हैं, तब आप सीख रहे होते हैं। ये बड़ा सुंदर शब्द है शिष्य, यहीं से सिख शब्द निकला है। जो शिष्य है, जो सीख रहा है, जो कृतज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जागे हुए महापुरुष हुए, सब कुछ जानने वाला, लेकिन कहता क्या है। आप उसकी विनम्रता देखिए, आप उसका दैन्य देखिए, उसकी विनय देखिए। ज्ञान ध्यान किछ करम न जान, ज्ञान ध्यान किछ करम न जान, सार न जाना सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी में। एक मेरी विनती है भाई, आपकी बार तो 5 दिन हो गए पर ये लोग मुझे फिर भी बुला रहे हैं, तो हो सकता है मैं फिर भी आऊं। आप एक बात का ध्यान रखना, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे, क्योंकि गुरु वाणी से मेरा प्रेम है, मैं इसको गुनगुनाए बिना नहीं रह सकता, कहीं मेरे भीतर में रमा है ये भाव। तो मुझे सुविधा हो अगर जब मैं वाणी का उच्चारण करूं तो आप अपना सिर ढक लें, आपको अनुकूल हो तो अच्छा भी है, वैसे आप अपना सिर ढक कर बैठे। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। मैं बंबई मरीन ड्राइव पर कथा कह रहा था, एक तो बंबई और उस पर भी मरीन ड्राइव, अब सोचो, और मैं कथा कह रहा था तो ऐसी मैंने कहा सिर ढककर बैठिए, तो किसी ने पूछा क्यों, क्या होता है। मन तो मेरा किया मैं भी पूछूं, आप फटी हुई पैंट पहनते हो क्या होता है, मैं भी पूछूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कारण है और मुझे गर्व है कि प्रभु ने मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां के संतों के पास सुबह उठने से रात सोने तक का लॉजिक है, तर्क है, कारण है, भाव है, विज्ञान है, ज्ञान है। हम लोग तो सब ओर से संपन्न है, तो मन तो मेरा किया मैं पूछू कि तुम ये पहनते हो कोई क्यों, जन्मदिन होता है फूक मार मार के मोमबत्ती बुझाते हो क्यों, केक काटते हो क्यों, जब निशाचर जगते हैं तब आप जगते हो और फिर आप सो जाते हो क्यों, कोई कारण है आपके पास इस अस्वस्थ जीवन शैली का, कोई कारण नहीं। पर फिर भी मैंने कहा मैं बताता हूं, हमारे शरीर में आप जानते होंगे ऊर्जा के 7 चक्र हैं, सबसे पहले मूलाधार चक्र है और फिर सबसे अंत में यहां ऊपर सहस्रार चक्र है, और इन दोनों चक्रों से ऊर्जा बाहर भी जाती है भीतर भी आती है। इसलिए हमारे यहां पूजा कभी भी भूमि पर बैठकर नहीं की जाती, पहले आसन बिछाया जाता है ताकि मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा का बहिर्गमन न हो, और फिर सहस्रार को भी ढका जाता है। पहले व्यवस्था क्या थी कि पहले पुरुष लोग शिखा रखते थे,
माताएं तो ढककर बैठती ही थी, पर पुरुष लोग शिखा रखते थे तो वो सहस्रार चक्र ढका रहता था। अब शिखा सूत्र की तो आज बात ही मत पूछो, उसकी तो कोई खुशबू भी नहीं मिलती। तो ये भाव भी है लेकिन ये विज्ञान भी है। आप कभी भी कथा में बैठे, यदि आपको अपनी सात्विक ऊर्जा का संरक्षण करना है, जो पवित्रता आप अर्जित करते हैं यहां से, तो उसके लिए विधि है। जैसे नीचे आपको बैठने के लिए आसन दिया गया है, ऐसे आपको सहस्रार को ढककर रखना चाहिए। आपकी आपकी ऊर्जा संरक्षित रहती है उससे, आपकी भावना सुरक्षित रहती है उससे। ये तो भाव हुआ, ये तो विज्ञान हुआ। फिर भाव है कि गुरुजनों ने कहा है इसलिए ढककर बैठना चाहिए, गुरुजनों ने कहा है। तो मैं चाहूंगा आपसे केवल आज यहां नहीं, कहीं भी अगर आप किसी के सद्विचार में बैठ रहे हैं, आप किसी किसी पवित्र भाव में बैठे हैं, तो दिस इज समथिंग साइंटिफिक, इट कैन हेल्प यू। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु राखी मेरी। रैदास जी की पुकार मौन हो गई, खो गए शब्द उस प्रेम के अस्तित्व में। केवल एक शब्द गुंजायमान हो रहा था रैदास जी के रोम रोम से, और भरी सभा में पुनः हुई दिव्य घटना घटी। अब की बार श्री ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर रैदास जी के मस्तक पर आकर विराजमान हुए, और रैदास जी का रोम रोम मानो कह रहा था, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया सुख पाया, सुख पाया टेढ़ी दृष्टि करके ब्राह्मणों को देखता, ब्राह्मण तो निकल गए। रैदास जी महाराज की उस सुख में निमग्न छवि का दर्शन किया राजा ने। रैदास जी महाराज की आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे, प्रभु मेरे कारण कितना परिश्रम आपको और करना पड़ेगा, मेरी बात रखने के लिए, मेरा मान रखने के लिए आपको कितना परिश्रम और करना पड़ेगा। अब आपका ये कष्ट, आपका ये श्रम मुझसे देखा नहीं जाता। नीच ही ऊंच कर मेरा गोविंद का हूं मैं नजर, नीच ही ऊंच कर मेरा गोविंद का हूं मैं नजर, नीच ही ऊंच कर मेरा गोविंद का हूं मैं नजर, नीच ही ऊंच कर मेरा गोविंद का हूं मैं नजर। गरीब निवाज को सैया मेरो माथे छतर धर, गरीब ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए रैदास जी के मस्तक पर, और रैदास जी ने प्रेम में भाव में भर कर गाया, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे,
तुद बिन कौन करे, तुद बिन कौन करे, तुद बिन कौन करे। मैं विचार करता हूँ कि आपके मेरे भाव में वो बल ना हो, आपके मेरे शब्द में वो सामर्थ्य ना हो जो दीन दयाल के कान तक पहुंचे। पर जब भक्त गाता है तो पुकार प्रभु के कान तक पहुंचती है, क्योंकि वो केवल प्रभु के लिए गाता है। रैदास जी गा रहे हैं, उनके स्वर में अपना स्वर मिला दीजिए। जा की छूत जगत को लागे ताप तू ही धरे, जा की छूत जगत को लागे ताप तू ही धरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे। और विगत दो दिनों से मेरे पास एक निवेदन आ रहा है कि चार दिन हो गए हम सुख पा तो रहे हैं लेकिन गा नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे जीवन में प्रसन्नता के ये क्षण दिए हैं, जब मुझसे पहले आप गाते हैं, मुझसे सुंदर आप गाते हैं, मुझसे मधुर आप गाते हैं, और मैं नहीं गाता तो आप कहकर मुझसे गवाते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि मैंने बड़ा थोड़ा सा प्रयास किया था व्यासपीठ के माध्यम से कभी अपना भाव आप तक पहुंचाने का। आपने बड़े आदर से उसे जीवन में धारण किया। मैं आशीर्वाद देने योग्य तो नहीं हूँ, पर व्यासपीठ से आप सबके लिए शुभकामना अवश्य है। ये भावना इसी प्रकार बलवती हो आपके जीवन में, इसी जन्म जीवन में आप मनुष्य जन्म का लाभ पाएं। तो दो दिन से ये निवेदन आ रहा था मेरे पास, तो आइए आप लोगों के साथ मिलकर मैं गुनगुना लेता हूं यही दो पंक्तियां जो प्रसाद है। मैं हर बार आसन में तो आप बैठे ही हैं, पर हमारे यहां भजन ध्यान में मुद्रा का भी बड़ा महत्व है। स्मरण कीजिए श्री चैतन्य महाप्रभु की छवि का और वो समर्पण की मुद्रा। इसके साथ कहिए, सुख पाया सुख पाया।
नानक की अरदास, जन नानक की अरदास सदा अनुभूति भजन का बल बढ़ाती है। श्री रैदास जी की वृत्ति अब अधिक अंतर्मुखी रहने लगी, मानसी सेवा में मन रमण करने लगा। जैसा मैंने अभी निवेदन किया, आप रटने से आरंभ करिए, रटन जप बनेगी, जप पुकार बनेगी, और फिर एक घड़ी ऐसी आती है जब पुकार भी नहीं रहती, जब शब्द मौन हो जाते हैं, जब वृत्ति मन वाणी से परे जो देश है,